قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا 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 إلا بلغ من الله رسالة आग लगाओ तेजी के साथ, जकड़ के जकड़ो उसको और तेजी से, और लाओ बाहर से जंजीरा, उसको जंजीरों से बंध के मारो उसको। चलो लगा, पूरी ताकत लगा, कितनी तो जोर से और जोर से, नहीं लगाऊंगा, पूरी लगा, नहीं लगाऊंगा। खत्म हो गई क्या? मैं नहीं लगाऊंगा, ताकत है नहीं है? अरे नहीं लगाऊंगा जी, आज ताकत ही नहीं है, यहाँ एक बात कम हो गई क्या? ताकत मैं लगाऊंगा, जोर से और जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत। क्या है, छोड़ के जाने का इसको के लेके जाने का है? ले जाऊंगा इसको कहाँ? शमशान कब्रस्तान। और जोर से, और जोर से, कहाँ ले जाने वाला है? शमशान कब्रस्तान। जादू कहाँ से कर रहे थे? शमशान से, कब्रस्तान से। बच्ची का क्या लेके थे जादू करते सुबह? कपड़ा, मट्टी, चप्पल, बाल क्या लिए थे? क्या ले जाको कराया? क्या लेके कहा था जादू करते सुबह? कौन है तू? औरत आदमी है? चलो उसके हाथ आ कतर लिए दोनों, फिर दोनों हाथ आ काट के बाहर टांग देने वाले हम, दोनों हाथ आप काट के तेरे टांग देंगे बाहर। जल्दी बयान कर फटफट में, तो कि तेरा नंबर आते तेरे हाथ काट लूंगा दोनों। कब लेने वाला है? कब लेने वाला था? अच्छा, मास में कुंडल में। हाँ, कब लेने का है? इसकी जानी ले ले रुका नहीं। तो कब? अम्मास में, पुन्नम में। अम्मास के दिन। अच्छा, कैसा मारने वाला है? सुसाइड करा के, गला के, के जला के, के कैसा, के बीमारी के दाल को कैसा मारने वाला है? सो पूरा नज़दीक को लाते हैं इसको। पूरा नज़दीक के लाके मार डालूंगा कमजोर कर करके। और ये जादू जो कर रहा, सो औरत आदमी है वो? कौन है वो? इसका रिश्तेदार होता क्या? नाम नहीं पूछा मैं। इसके माँ के रिश्ते में है, बाप के रिश्ते में है क्या? शादी हुई क्या? नहीं। हाँ, किधर के है रिश्तेदार रहा वो जादू करने वाले? माँ के खानदान के, बाप के खानदान के? जल्दी बोल पूरी ताकत लगा के। हाँ बोलो, मैं जरा ये शैतान का। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, हाँ ले लिए, ठीक है। चलो क्या करूँ बाकी? सेंड करो। अच्छे से मको सुबह तेरा मालूम हो क्या बोलेगी? एक 20 मिनट में करता जरा, शैतान निकाल लो। हाँ ठीक है, झगड़ो उसको और तेजी से। हाँ बोल जल्दी। जादू करने वाले किधर के है? इसके माँ के खानदान के, बाप के खानदान के? रिश्तेदार हैं, पहचान वाले कौन है? नाम नहीं पूछा मैं। हाँ बता जल्दी। हाँ किधर गए? कौन करे? हाँ कौन करे? कौन करे? हाँ कौन है वो?
माँ के रिश्तेदार है बाप के है? बाप के। अच्छा, क्या दुश्मनी थी? नाम नहीं पूछा, मैं सिर्फ दुश्मनी पूछ रहा हूँ, क्या दुश्मनी थी? सब कुछ क्यों बोलता हूँ? बोलना पड़ता, नहीं तो दोनों भी हाथ काट को ले लेते तेरे बाप का। रात चल रहा क्या बसा लोगों के ध्यान लेने को गला गला के? हाँ चलो इसके हाथों में भी आग लगाओ इसके तेज इंसान। इन्हें अब नाम बोलेगा, अब उसका नाम बोलेगा। इससे पहले नाम बोला क्या उन्हें? नहीं नहीं बोले काम। हाँ अब नाम बोलेगा उन्हें। चलो उसको नजदीक लाओ, क्या हमारा नाम बोलने वाला है? उसके हाथ काट के ले लेंगे। हाँ चल नाम बता जल्दी, कौन है वो लोग? बाप के रिश्तेदार। हाँ वो। नाम बोल वो। जलाओ तेज से, आग लगाओ दोनों हाथों में। बाप के रिश्तेदार। हाँ नाम बोल वो। नाम बोल वो। काट के तेरे हाथा भाटा में लाओ। बोलूंगा अब भी बोल, और जोर से लगाओ बस। हाँ कौन है वो? कौन होते इसके रिश्ते में वो? कौन है वो? औरत है, आदमी है, जादू करने वाला? औरत। क्या दुश्मनी थी? जल के। जल के। क्या जलन थी? क्या जलन थी? किस बात की जलन थी? जोर से बोल। छोड़ो शराफत से रहते बोल के। अच्छा वो पहले बैठे वाले कौन? इनके अम्मा है वो? हाँ इनके अम्मा को क्या करे सो? उनको भी खिलाए, जादू करे क्या? खिलाए उनको क्यों गला रहे बस? जल्दी बोलो पूरा काट देता हूँ। हाँ उनको भी करे दरवाजा। हाँ बोल जल्दी बोलो पूरा काट देता हूँ। बोले आवाज ना करो मत, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही। जलाओ इसके हाथों को जरा तेजी से आग लगाओ। हाँ कौन है? बच्ची का क्या लिए थे जादू करते टाइम पे? कपड़ा मट्टी चप्पल बाल पूछा था। हाँ बोल जल्दी क्या लिए थे? क्या लिए थे? क्या लिए थे? क्या लिए थे? सवाल का जवाब बोल, आनंद से बोल। जल्दी बोल, पूरा चला देता हूँ। इसके हाथों को जकड़ लो और तेज के साथ इसके हाथों की सारी शक्ति खत्म करो। इसकी शादी कौन ने होने दे रहा? तुझ ने होने दे रहा? शादी नहीं होने दे रहा बच्ची की? इतनी उम्र कर दिया, गला दे रहा, सुखा दे रहा, अंदर से पूरा खत्म कर दे रहा उसकी पूरी ताकत, और बाद में मार के लिए जाने वाला था, खून पी रहा उसका अंदर बैठ के। गर्दन में से दांत गड़ा के खून पी रहा। तोड़ दिया। जोर से बोल। तोड़ दिया उसको। दाँता भी तोड़ दे रहा और उसका खून पी रहा तू पीछे से, है ना, गले गर्दन में से दाता गड़ा के बराबर। तेरे दाता मैं तोड़ू क्या जिससे खून पीता? तो चलो इसको बन के डालो, इसको नाला खून। बोल याद आया? याद आया ना? चल तुझे एक मौका दे रहा हूँ, एक मौका दे रहे कमीने, इज्जत से याद करके आना दूसरे चक्कर तक। जब तक इसको बन के डालो और मार मार के सारी ताकत खत्म करो। कौन डाले सो? क्यों डाले थे? क्या दुश्मनी थी? कितने लोग आए इसके घर से? कितनों को मारने वाले हैं? और तू कितनों का खून पी रहा? और तेरे साथियां कितने हैं? ये सब याद करके आके तू बयान करेगा। जब तक इसको बन के डालो और इसकी सारी शक्तियां खत्म करो जकड़ के। जो मसला है ये कब्रस्तान से कोई नहीं, उनके रिश्तेदार ने उनके माँ के नन्ना नोने में से किसी को भी करनी का डाल करा। वो जिसने भी करा उसका नाम तो सामने आने वाला है। मेरी जबानी मैं तो कभी बयान नहीं करता,
पावर पेशन में और ब्लैक मैजिक में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बिटवीन बहुत ज्यादा बेन के जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर, क्योंकि ये जो मसला है ब्लैक में काले जादू गंदे अमलियात से करे दास्तान है, और पावर टेशन वो इबादत वो अल्लाह और वो खालिक वो मालिक वो ईश्वर वो गॉड वो उसके बहुत सारे नाम हैं, उसकी इबादत और उसकी बंदगी तुम करेंगे एक अल्लाह की, तो वो क्या है वो मसला है कि ये हरकतें करनी कौटाला करके ये ऐसे बलाएं लगा देते हैं। अभी ये जो बलाएं लगा लें घर के अंदर तो ये कौन से किस्म के है, ये कोई बदरू नहीं है, बदरू हैं अलग रहते, उसमें खबीस अलग रहते, जिन्नातों की नस्लों में बहुत सारे 900 किस्म के जिन्नात है, और ये जो है ये पिशाच नामक खबीस जिन्नातों में से रहते, उनके दांत बाहर निकले लड़ते और वो जिसको भी लग जाते उसको खून पीते उसका दांत रहा, खुद ब खुद नहीं आते, वो कोई झपट में लग के या कहीं गाया इंसान वहाँ से लग गया ऐसा नहीं रहता, उसको जब अमल करते वो अमल के उसका कपड़ा या बाल ऐसे दो तीन चीज़ ले जाना पड़ता, उसके बाद ही वो आते और आकर फिर बोलते कि हमारी बीवी है, और जेंट्स पे अगर लगा तो जेंट्स क्या बोलता, वो लेडीज क्या बोलती है कि मेरा शोहर है, ये मेरा पति है, मेरा मर्द है, मेरा हस्बैंड है, और मेल को फीमेल, फीमेल को मेल ऐसा लगाते, और अगर फीमेल को मेल लगा तो क्या बोलता है ये मेरी बीवी है और मैं इसको छोड़ूंगा। बहुत सारे वीडियो में पूछा है, सारे तफसीले सब कुछ बयान करा बहुत सारे, और वो शादी नहीं होने देता, और शादी अगर हो गई बच्चों की तो उनको बच्चे नहीं होने देता, संसार तोड़ा देता, और उनको औलाद ही नहीं होने देता, संसार तोड़ा देता। ये सब मैंने प्रैक्टिकल में दुनिया को बताया, मैं कोई कहानी और कोई किस्से नहीं सुना रहा हूँ, कहानी और किस्से सुनाना हो क्या है वो एकदम अंधशेरता में चले गए, मैं लाइव में बताया प्रैक्टिकल में पूरे दुनिया को, और तुम प्रैक्टिकल में देख सकते। दूसरी बात ये ऐसी है कि ये जब लग जाते तो बच्चियां लड़कियों को फिजिकली टच भी करते हैं, फिजिकली रात में आके परेशान करते, टच करते, पूरा पूरा महसूस होता है लड़कियों को लड़कों को जो भी जिसको भी जो लगती बला तो पूरा महसूस है वो वाली खसम नहीं, क्योंकि लास्ट में बला खून पी लेते, खून पी के पूरा निचोड़ देते, निचोड़ के साथ में लिखते जाती, और एक एक से पूरे घर के अंदर किस किस के नंबर लगाया रहते तो मारता हूँ। मगर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के कलाम की है, और हर चीज़ पे अल्लाह का कलाम काबिज है और सबसे ताकतवर है, क्योंकि कलाम इलाही वो है कि ये हम इंसानों पर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान करा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आप तशरीफ़ लाए, और लाए तो लाए कि हमारे दौर के वो में तशरीफ़ लाए, यानी कि हम उनके उम्मती है। 1,24,000 पैगंबरों की भी ख्वाहिश थी कि खातिमुज़्ज़मा पैगंबर के उम्मती बने हम, मगर उनको वो शर्फ़ हासिल नहीं हुआ, हमको इतना बड़ा शर्फ़ दिया अल्लाह ने कि उनके उम्मती बना दिया, और बता दिया कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत हम पढ़ो पता चलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती रहेंगे और उम्मतियों में जो आलिम आलिम लोग जो रहेंगे आलिम खारी हाफिज, तो उनका दर्जा मूसा अलैहिस्सलाम के दर्जात के बराबर है। तुम तफसीर में पढ़ोगे तुमको पता चलेगा। तो इतने तुमको मैं बयान नहीं कर सकता, तुम अल्लाह के कितना भी शुक्र अदा करेंगे तो उतना कम है तुम्हारा, इतनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके एहसान करा तुम्हारे ऊपर उसने, और सबसे बड़ा एहसान ये करा कि अपना कलाम तुम्हारे हवाले करा। कलाम इलाही अल्लाह के चार रसूल हैं, चारों के ऊपर चार किताबें अलग उतरे, मगर अव्वल व आखिर खातिमुज़्ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई कुरान पाक, वो डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है, और वो लोहे महफूज पे पूरी लिखी है, महफूज किताब है, वो तुम्हारा दिया, तो उसको पढ़ के उसका फैज़ हासिल करो, उसको पढ़ के उसकी बरकत हासिल करो, वो तुम्हारा कितना बड़ा खजाना दिया दुनिया और का, और तुम इतने काबिल हो गए कांच के पत्थर के टुकड़ों में और वो सोने और चांदी में कि उसमें तुम कमाने के नाद में तुम ये दुनिया और आखिरत दोनों भी भूल गए, उधर के आखिरत भूल कर बैठे और ये दुनिया में मशगूल हो गए, तुम आखिरत में मिल जाना, वहाँ पे भी फैसला होना है, सवाल जवाब होना है, इबादत तुम्हारी वहाँ काम आएंगी। और दूसरी बात ये मेरी सबसे अहम याद रखना, हश्र के मैदान में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा सलूक किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आमाल है ये जो तुम एक दूसरे पे जादू टोने कर रहे, जादूगरों के पास जा रहे। अल्लाह किसी को आजाब नहीं देता, अल्लाह किसी को जहन्नुम में नहीं डालता, अल्लाह ने तुम्हारे 70 माह की मोहब्बत करता बोलकर जन्नत बनाया, अल्लाह तुम्हारे से 70 माह की मोहब्बत करता बोल के इतने नियामत तुम्हारे वास्ते दुनिया के अंदर रखा, क्या क्या नहीं बनाया उन्हें। सूरह रहमान के अंदर भी फरमा दिया बार बार कि तुम और खुदा की कौन कौन सी नियामतों को छुपलाओगे, अकल के अंधे लोगों, तुम्हारा दिमाग जो रहता जो देखता वो मानता, जो नहीं दिखता वो नहीं मानते तुम, मगर जन्नत भी है दोजख भी है, ये सब बनाने वाला वो अल्लाह वो ईश्वर वो गॉड वो भी मौजूद है, तो आसमान पे सारे गैलेक्सियों को बगट टेके के ठहरा करके रखा ला ना उन्होंने,
मामूली छत तुम डालने लगे तो 50 जगह से टेके देना पड़ता उसको तुम्हारे को। देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं लगा और क्या क्या नहीं बना और क्या क्या नहीं बिछाया। तुम नहीं समझ सकते हो बातों को, तुम्हारे सब सिर के ऊपर से जाते बाल से बारी। जो तुम अगर दिल में तुम्हारे तहकीक करने की कोशिश करने की तहकीक खोज करने की अगर आदत देंगे तो तुमको फिर पता चलेंगे, गहरे के अंदर उतरेंगे तो क्या क्या नहीं बना उसका, कितना भी तुम एहसान उसका अदा करेंगे सज्दे में सर रख के तो कम है। और तुम जादूगरों के पास जाएंगे तो ये शिर्क है, ये शिर्क हो रहा। अपने रब पे से अकीदा हटा दे रहे, रब के कलाम पे से अकीदा हटा दे रहे और जादूगर के पास जाके एक दूसरे पे जादुआ कर रहे। क्या है जादूगर की मिसाल, क्या है जादूगर के शैतानों की मिसाल जिसकी उन्हें पूजा करता अल्लाह वालों के सामने और अल्लाह के कलाम के सामने। देख लो तुम, आपको पता चल जाता, गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह वालों के सामने। तो इसलिए उनके पास जाके कोई फायदा नहीं, इबादत करो, इबादत करो, खुद की भी दुनिया संवारो, आखिरत संवारो, खुद के भी बच्चे बाल बच्चों की भी आखिरत संवारो, दुनिया संवारो। माँ अगर जाके जादू टोना करती तो उसके बेटे भी जाके बाद में जादू टोना सीख लेते, वो वैसे जादूगर के पास जाना सीख लेते और जाके सब पे करते रहते, यानी कि नस्ल दर नस्ल, नसर दर नसर चलते रहता। माँ अगर नेक रहेंगी, इबादत करेंगी, सजदे करेंगे तो बच्चे भी नस्ल दर नसल राइट रहेंगे, इबादत करेंगे, नेक रहेंगे। और दूसरी बात ऐसी बात है कि तुम इबादत की राह को मजबूती से थाम के रखेंगे। हर 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हर नमाज के बाद कोई जिक्र करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, जो आता वो पढ़ो। इससे तुम्हारा क्या होता जाएगा, तुम्हारी रूहानी मजबूत होते जाएंगी। तुम्हारी रूहानी लोगों मजबूत हो गई तो कोई तुम पे जादू नहीं चला सकता। जादू, जादू बड़ा सुनते मगर जादू का डिफिनेशन पता है तुम्हारा कुछ नहीं। सिर पे जाते तुम्हारे जितने भी भारी भारी भी होंगे ना तुम्हारे दुनिया के अंदर बड़े, उनको भी नहीं मालूम जादू है क्या, जादू चलता कैसे। जादू तुम्हारे रूहानी के ऊपर चलता, तुम्हारे जिस्म पे नहीं चलता। तुम्हारे जिस्म की ऊर्जा लेते और ऊर्जा लेके तुम्हारे रूहानी पे चलाते, तुम्हारी आत्मा पे चलाते, तुम्हारी आत्मा को बेचैन कर देते। इतनी भी बेचैन करते कि जब तक उसको बॉडी से खींच नहीं लेता जादूगर, जब तक उसको बेचैन करते रहते और वो शरीर पे असर जाहिर होते उसके। फिर तो ये बहुत सारे राज है, तुमको थोड़ी मालूम इतने बाल से बारीक बात है। और ना तुम्हारा कोई आलिम हाफिज मुफ्तीकारी समझा सकता है बात, और ना तुम्हारा कोई ऋषि मुनि भी है इतने बड़े भारी जो तुम्हारा समझाते हो। सब नल्ले बेकार 2% के बेवकूफ़ हैं, सब चोरा बैठे आली जगह जगह। कहने सुनने से अल्लाह ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बार बार यही कहता कि इबादत की राह को मजबूती से थामो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कोई दुआ याद कर सकता, हर कोई दुआ पढ़ के खाना खाना, हर कोई घर से बाहर निकला तो दुआ पढ़ के निकलना। अपने आप को उस ईश्वर, उस अल्लाह के, उस गॉड के, उस परमात्मा ने जिसने आत्मा को बना उसके हवाले कर देंगे तुम, तो फिर उन्हें तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम सब में माई पूरेंगे। नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं बचा सकता, फिर तुमको गर्क होना ही है, हलाक होना ही है। जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी। बहुत सारी बातें कहने के लिए मगर क्या बयान करूं। कहां से आए थे? कागज नगर। हां, सिरपुर कागज नगर। अच्छा, सिरपुर कागज नगर कहां था वो? बेलमपल्ली मछलियाल के साइड। अच्छा, ये अभी हाजिर करने के, सवाल जवाब करने के 5 लाख 10 लाख कितने लिए तुम्हारे से? जोर से बोलो। नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया। 5 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं लिए। वो ऐसा रहता हूँ, मैं क्या करूँ लेके पैसे, मैं लेता नहीं, मेरे को गरज नहीं है। तुम्हारा जो भी रहा तुम्हारा तुम करो, अपना अपना ले जाओ घरों पे, हमारा कुछ दुकानों से खरीदो घर पे जाओ। और दूसरी बात के बस बहुत सारी बातें कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको मन करने की तौफीक अता फरमाए।